हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी के एक आदेश से संबंधित है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मार्च से हमारे परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का आना शुरू हो जाएगा। इसी के संबंध में महानिदेशक स्कूल शिक्षा का एक आदेश आया है, जिसके संबंध में मैंने आज की वीडियो बनाई है। वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। साथियों, आदेश में कहा गया है कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य के प्रथम दिन गुब्बारे झंडी लगाकर उत्सव आयोजित करके बच्चों का स्वागत करना है और उनकी पसंद का MDM बनवाना है। आदेश में और भी बहुत कुछ बताया गया है। साथियों, बहुत छोटी वीडियो है, अतः इसे आप पूरा जरूर देखें, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको विद्यालय खुलने के प्रथम दिन क्या क्या कार्य करना होगा। विद्यालयों में शिक्षण कार्य के प्रथम दिन गुब्बारे झंडी लगा उत्सव आयोजित करके बच्चों का स्वागत करने एवं उनकी पसंद का MDM बनवाने का आदेश जारी कर दिया गया है। विद्यालय खुलने के पहले दिन बच्चों का स्वागत करें, स्कूल महानिदेशक ने प्रदेश के सभी BSC को दिए निर्देश। प्रयागराज, कोरोना के भय से मुक्त होने के बाद 1 मार्च से खुल रहे प्राथमिक विद्यालयों में पहले दिन बच्चों का भव्य स्वागत करने का निर्देश आया है। प्रदेश के महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी की ओर से जारी दिशा निर्देश में शिक्षण कार्य के पहले दिन बच्चों के स्वागत में विद्यालयों को गुब्बारे झंडी लगाकर सजाने का निर्देश दिया गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में पहले दिन उत्सव मनाने के साथ उनकी पसंद का मिड डे मील बनाने का निर्देश दिया गया है। स्कूलों में 100 दिन का चलेगा ज्ञानोत्सव कैंपेन। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से भेजे गए दिशा निर्देश में कहा गया है कि 11 महीने लगातार स्कूल बंद रहने से बच्चों के पठन पाठन पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है, उसे दूर करने के लिए 100 दिन का प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन चलाया जा रहा है। इससे बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में विकास किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों से बच्चों को अच्छा माहौल देने को कहा गया है। बच्चों को पहले दिन स्कूल में अच्छा माहौल देने के लिए अभिभावकों जन समुदाय से सहयोग लिया जाए, जिससे विद्यालय आने के प्रति बच्चे आकर्षित हों। साथियों, अब मैं आपको आदेश दिखाता हूँ। प्रेषक हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दिनांक 25 फरवरी 2021 का आदेश है। ये विषय है विद्यालयों में शिक्षण कार्य पुनः आरंभ किए जाने के अवसर पर विद्यालय स्तर पर उत्सव आयोजित किए जाने के संबंध में। महोदय, कृपया शासनादेश संख्या 5662021 दिनांक 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 से कक्षा 6 से 8 तक तथा दिनांक 1 मार्च 2021 से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों हेतु विद्यालयों के पुनः संचालन के संबंध में जारी COVID-19 SOP के अनुसार शिक्षण कार्य प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। आप अवगत हैं कि COVID-19 महामारी के दौरान विद्यालय लंबे समय लगभग 11 माह तक बंद होने के कारण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इससे जहां एक तरफ बच्चों के अधिगम स्तर में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ लंबी अवधि तक विद्यालय दूर रहने के कारण स्वाभाविक रूप से विद्यालय के प्रति अरुचि का अभाव उत्पन्न हुआ है। अधिगम स्तर पर पड़े दुष्प्रभाव को दूर करने के उद्देश्य से 100 दिनों का प्रेरणा ज्ञानोत्सव कैंपेन संचालित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत समृद्ध हस्तपुस्तिका पर आधारित रेमेडियल शिक्षण के माध्यम से बच्चों के अधिगम स्तर में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है। किंतु इस प्रयास की सफलता के लिए आवश्यक है कि बच्चों में विकसित विद्यालय के प्रति अरुचि के भाव को समाप्त कर उनमें विद्यालय आने के प्रति आकर्षण का भाव विकसित किया जाए। साथ ही अभिभावकों एवं जन समुदाय के मन से आशंका को समाप्त कर बच्चों को विद्यालय भेजने के प्रति प्रेरित किया जाना भी आवश्यक है। अतः बच्चों को पुनः विद्यालय के प्रति रुचि को विकसित करने के उद्देश्य से विद्यालय में शिक्षण कार्य आरंभ होने के अवसर पर
बच्चों का भव्य स्वागत किए जाने एवं विद्यालय स्तर पर उत्सव का वातावरण सृजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर बच्चों, अभिभावकों, SMC व जन समुदाय के सहयोग से विद्यालय में उत्सव का आयोजन करके बच्चों का विधिवत स्वागत करना है, जिससे उनमें विशिष्टता का भाव उत्पन्न हो तथा विद्यालय आने के प्रति आकर्षण का भाव विकसित हो। इस अवसर पर निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाएं। नंबर 1, मुनादी उद्घोषणा व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त अभिभावकों व समुदाय को विद्यालय खुलने से अवगत कराएं। विद्यालय खुलने के प्रथम दिन विद्यालयों को गुब्बारे, झंडियों व रंगोली आदि से सुसज्जित करके बच्चों का स्वागत सुनिश्चित किया जाए। बच्चों से छोटे छोटे समूह में चर्चा कर COVID-19 महामारी के अनुभवों को कहानी के रूप में तथा विद्यालय खुलने पर उनकी प्रतिक्रिया व उत्साह जानने का प्रयास किया जाए। बच्चों को विद्यालय के प्रति रुचि पैदा करने हेतु खेल आदि का आयोजन किया जाए, जिसमें अध्यापक द्वारा भी सहभाग किया जाए। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के अवसर पर बच्चों के पसंद का नाश्ता भोजन परोसा जाए। बच्चों द्वारा विद्यालय में रचनात्मक क्रियाकलाप जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना व उनकी पेंटिंग करना, पेपर क्राफ्ट की मदद से विभिन्न आकृतियों का सृजन करना, ड्राइंग पेंटिंग व कलरिंग करना, माताओं के साथ बैठक करके बच्चों के शैक्षणिक व रुचि के विकास पर चर्चा करें तथा साथ ही माताओं से बच्चों की उनकी प्रतिक्रिया व उत्साह जानने का प्रयास किया जाए। SMC सदस्यों व जन समुदाय के साथ अध्यापकगण शिक्षा चौपाल का आयोजन कर उत्सव में जन समुदाय का सहयोग प्राप्त किया जाए। अध्यापकों द्वारा विद्यालय में बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण वातावरण स्थापित किया जाए। उपरोक्त समस्त कार्यों में अध्यापक द्वारा अवश्य सहभाग किया जाए तथा इन क्रियाकलापों को अधिक रुचिकर बनाने का निरंतर प्रयास किया जाए। उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। भवदीय विजय किरण आनंद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो साथियों, यह आदेश था महानिदेशक स्कूल शिक्षा का, जो कल के विषय में है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कल आपको विद्यालय में कौन कौन से क्रियाकलाप करने हैं और किस तरह से कल शुरुआत करनी है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें अपने अन्य साथियों के साथ, साथ ही मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथियों, अगर आप इस प्रकार की वीडियो को अपने WhatsApp या Telegram पर पाना चाहते हैं, तो मैंने इसके लिए WhatsApp और Telegram ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं या आप मेरे WhatsApp नंबर 9897961422 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। Have a nice day.